हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अप। तो आज मैं इस वीडियो में कोकोनट वाटर और उसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट वाटर की। कोकोनट वाटर, जिसे कोकोनट जूस भी कहा जाता है, वो पूरा क्लियर लिक्विड है जो कि ग्रीन कोकोनट के अंदर पाए जाते हैं। कोकोनट वाटर जो है वो नेचुरल है, न्यूट्रिशियस है और रिफ्रेशिंग बेवरेज है। जब कि आप कंज्यूम करते हो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप मार्केट में पाए जाने वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सोडा को अवॉइड करके आप कोकोनट पीते हैं, कोकोनट वाटर पीते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ये अच्छे से मैंशन किया गया है कि कोकोनट वाटर जो है वो यूरिनेशन, सीमेन प्रोडक्शन और डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और रही बात इसके टेस्ट की, वो थोड़ा सॉल्टी और स्वीट है और इसमें कैलोरीज और शुगर काफ़ी कम है। तो अब जानते हैं कोकोनट वाटर के न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 245 ग्राम ऑफ कोकोनट वाटर में कई सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। उसमें कैलोरीज है 44, प्रोटीन की बात करें तो उसमें है 0.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें 10.4 ग्राम है और फैट है उसमें 1 ग्राम। फाइबर जो है इसमें 0 ग्राम है, शुगर जो है इसमें 9.6 ग्राम है, पोटेशियम की बात करें तो इसमें 404 mg है, सोडियम जो है 64 mg है, विटामिन सी की बात करें तो इसमें 24.2 mg पाया जाता है। तो आइए अभी हम जानेंगे कोकोनट वाटर के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। पहली जो बेनिफिट है वो है इट कंटेन एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। कोकोनट वाटर में है कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल जो एक्सरसाइज के थ्रू क्रिएट होता है बॉडी में उसको रिड्यूस करता है। एक स्टडी के मुताबिक जो प्रोसेस्ड और हीट प्रेशराइज कोकोनट वाटर जो होता है उसमें कई जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप उन सब की जगह फ्रेश कोकोनट को चूज़ करें, आप उसे पिए ताकि वो आपके बॉडी को एकदम प्रॉपर और हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर सके। सेकंड बेनिफिट जो है वो है इट हेल्प विद वेट लॉस। और ऑब्वियसली अभी कौन वेट लॉस नहीं करना चाहता, और मुझे पता है आपको भी वेट लॉस करना है ना। तो चलिए आप बात करते हैं इस बेनिफिट के बारे में। कोकोनट वाटर में जो है वो बायोएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके बॉडी में जो फैट जो जमता है ना उसको बनने से वो प्रिवेंट करता है। और रही बात इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक की, तो ये जो है वो कैलोरीज और शुगर में बहुत ही ज़्यादा लो है। तो अगर आप इसको अगर डेली पीते हो तो आपका वेट गेन होने का कोई चांस ही नहीं है। थर्ड बेनिफिट जो है वो है इट इम्प्रूव डाइजेशन। कोकोनट वाटर जो होता है हमारे बॉडी में सोडियम कंटेंट जब ज़्यादा होने लगता है उसको कम कर देता है। और आपको पता ही होगा कि जो सोडियम जो न्यूट्रिएंट है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। कई सारे लोग एक्सरसाइज के दौरान नारियल पानी पीते हैं क्योंकि इससे उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। और कुछ कुछ फिटनेस ट्रेनर ये रिकमेंड करते हैं कि नारियल पानी पीने से उनके बॉडी में एंडोरेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, कई सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के अलावा ये दो मेजर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, एक है विटामिन सी और एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये दोनों मेजर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो उससे बॉडी को रिकवर होना पड़ता है। तो रिकवरी के लिए ये दोनों न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बॉडी को। अब बात करते हैं पांचवे पॉइंट की, तो वो है कि इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट कोकोनट वाटर में पाए जाते हैं वो है पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। और इसी इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन की वजह से नारियल पानी जो है बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। सिक्स बेनिफिट जो है वो है इट हेल्प्स लोअर ब्लड शुगर लेवल। ए मेजर न्यूट्रिएंट जो कि नारियल पानी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो है मैंगनीज। मैंगनीज क्या करता है, वो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है जिसके वजह से उनमें ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगता है।
और इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात करें तो वो एक हार्मोन है जो बॉडी में पेनक्रियास के थ्रू क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बट डायबिटिक पेशेंट में ये इंसुलिन सेंसिटिविटी हार्मोन बनता नहीं है। तो इस समय वो क्या कर सकते हैं कि वो कोकोनट वाटर अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेडिकेशन तो है ही इसको बढ़ाने के लिए। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ मैंगनीज बोन के फॉर्मेशन और प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। 7 बेनिफिट की बात करें तो वो है, इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर। नारियल पानी में सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम हाई अमाउंट में पाया जाता है। पोटेशियम क्या करता है, वो ब्लड वेसल के वॉल को रिलैक्स करता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। 8वां जो बेनिफिट है वो है, इट प्रिवेंट किडनी स्टोन। एक स्टडी में पाया गया कि जो नारियल पानी है वो यूरिन के थ्रू साइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, जिसके वजह से किडनी स्टोन होने का कोई खतरा ही नहीं रहता। 9 बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि कोकोनट वाटर इज़ बेनिफिशियल फॉर स्किन। एक स्टडी जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था, उसने ये सजेस्ट किया कि कोकोनट वाटर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है जो कि स्किन में रिंकल फाइन लाइन और अदर साइन ऑफ एजिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है। नारियल पानी में जो हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो आपके स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाती है। इसके साथ ही साथ वो आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं, जो कि स्किन के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशन और वार्निंग की, जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। देखिए, ऐसा कोई भी सिंगल एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करता है कि जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएँ हैं वो नारियल पानी नहीं पी सकते, बट मैं स्टिल सजेस्ट करूँगी ऐसे लोगों को कि वो एटलीस्ट पीने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। अब जिनके ब्लड में पोटेशियम लेवल ज़्यादा है उनको कोकोनट वाटर कंजम्पशन से बचना चाहिए, क्योंकि नारियल पानी में पोटेशियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस वीडियो के लिए कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।